जरा लोकेशन चेक करो अपनी। तो ऐसे कुछ हमारा बेड रेडी है भाई, यहाँ पे अपनी मैगी कॉफी रेडी हो गई। इतनी नैरो रोड है, अपनी सिंगल गाड़ी भी चलती है ना, तो वो भी देख के चलानी पड़ रही है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, एक नए फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे सारे सारे उम्मीद है बढ़िया होंगे, अपने घर होंगे, सेफ होंगे, स्टेमेंट भी सेफ, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो मेरी तरह। अभी सुबह के बज रहे 7:15 हो रहे भाई, वैसे तो 7 बजे निकलने का प्लान था, मैं तो उठ चुका हूँ, भाई भी उठ चुके, भाई गए फ्रेश होने। बस ऐसा मन कर रहा था कि थोड़ी देर और सो जा, थोड़ी देर और सो जा, और अब भी यही मन कर रहा है कि सो जाओ और सो जा, नींद आ रही बहुत तकड़ी। रात भी 1 बज गया था, एडिटिंग कर रहा था, पहले डाटा ट्रांसफर करा फिर एडिटिंग करी, फिर यही मन कर रहा था कि और सो जा थोड़ी देर, कि आज हमें कैंपिंग करनी है और हम जा रहे हैं सच पास। आज नहीं पहुंचेंगे सच पास, पहुंचेंगे हम कल दीहू में, पठानकोट में। कल नोएडा टू पठानकोट मैंने कवर कर लिया था, कल यहाँ पे पहुंचा था 5 बजे, फिर भाइयों से मिला अपने दोस्तों से, और फिर उनके साथ गेड़ी शेड़ी मारी, इधर उधर घूम कर खाया पिया, रूम में आके बातचीत करी, बहुत सारे प्लान बनाए, बहुत सारी बातें करी। 1 hour later अभी टाइम हो रहा है 8:10 और बारिश पड़ रही भाई, बहुत अच्छा मौसम हो गया, वेदर अच्छा हो गया, और अभी हम आ चुके हैं नीचे, चेकआउट कर लिया, तो बैठते गाड़ी में, पहले भीगते हुए गाड़ी में बैठते हो भाई। होटल से चेकआउट कर लिया, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, नहाए धोए तो है नहीं, हम ऐसे ही निकल लिए, चल रहे हैं। सो गाइज, अभी हम हिमाचल में एंटर हो चुके हैं। हिमाचल में एंटर होने के बाद हमने 10 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं, डीजल डलवाया, डीजल टैंक फुल करा लिया, 2400 रुपए का डीजल आया, और ये भाई है मेरे साथ जो कि जा रहे हैं हम सच पास, पठानकोट से ही मिले हैं भाई, यहाँ पे बनाएंगे मैगी और चाय। पैसे खर्च करने से क्या फायदा, जब हम लाए अपने साथ, हमारे साथ चीज है ऑलरेडी, क्या फायदा पैसे खर्च करने का। और यहाँ का व्यू देख लो यार एक बार, क्या व्यू है। यहाँ पे इस साइड हिमाचल में इस साइड ग्रीनरी इतनी है, इतनी हरियाली है, बहुत ही अच्छी हरियाली है, और मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा होता जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडा होता जा रहा है। तो अभी पहले हम मैगी बना लेते थे, 1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद 140 किलोमीटर बचा है यहाँ से सच पास, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अभी टाइम हो गया है 10:15। भाई यहाँ पे हमने मैगी डाल दी है, मैगी बन रही है, फिर बनाएंगे अपनी कॉफ़ी, कॉफ़ी भी ले आए, बाकी यहाँ कचरा मत फैलाना। और ये भाई बैठे हैं यहाँ पे, और गाड़ी कड़ी है पीछे, व्यू देख लो थोड़ा सा, क्या मज़ेदार व्यू आया भाई। पता, पता, रहे ना किसी का वे, यही कहे ये पल जिंदगी का वे। तो गाइस यहाँ पे मैगी बन चुकी है, और वहाँ पे भी मैगी भाई को दे दी है, और अपनी भी डाल ली है, और यहाँ पे अब कॉफ़ी बना रहे हैं, और यहाँ पे गाने चल रहे हैं पीछे गाड़ी में, और भाई एंजॉय, एंजॉय द लाइफ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई यहाँ पे अपनी मैगी कॉफ़ी रेडी हो गई, भाई खा रहे हैं और मैं भी खाता ही हूँ, खाते हैं फिर यहाँ से साफ़ सफाई करके निकलते हैं। यही था हमारा आज, मतलब अब रात को जाके कैंपिंग करेंगे लोकेशन पे पहुंच के, लगभग 100 किलोमीटर और जाना है हमें आगे, फिर हम कल जाएंगे, तो 40 बच रहा है, तो 100 और किलोमीटर कवर करना है, और टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं अभी, तो कर लेंगे शाम तक 3-4 बजे तक आराम से घूमते फिरते पहुंच जाएंगे, नज़ारे के मज़े लेते हो। मौसम देखो यार कैसा हो गया, बादल, बारिश पड़ने वाली है, अब तो फॉगी फॉगी हो रहा है पूरा। तो भाई हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, अभी टाइम हो गया 11:30, अब यहाँ से हम चलते हैं, अभी कवर करना है 100 किलोमीटर भी हमें कवर करना है, भाई बैठ चुके गाड़ी में, और हमारे जाते जाते मौसम इतना सेक्सी हो गया, इतना सेक्सी मौसम हो गया भाई मैं कह नहीं सकता कुछ। जब हम बैठे थे जब धूप थी, लेकिन थोड़ी हवा चल रही थी, लेकिन अब तो धूप तो बिल्कुल चली गई। भाई बताओ मज़ा आया नहीं आया? एक नंबर मज़ा आया।
मैगी खाने का तो नेक्स्ट लेवल वाला मजा आया अपना आप मौसम और साथ में मैगी अपना आप बना के मैगी मजा आया बैठ के आराम से भाई एंजॉय करा पूरा घर हमने जुनू सा सीने में एक जुनू एक दीवानगी हर तरफ हर तरफ बेखुदी 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 हर तरफ हर तरफ कहे हलके हलके ये रंग जलके जलके जो किससे है कल के भुला दे कोई हौले हौले जाने दे कोई जादू सच पास यार हाँ यूपी 16 नोएडा नहीं भैया पाकिस्तान के तो गाइज हम एक डैम है इस डैम का नाम तो पता नहीं पर बहुत सुंदर डैम है ऊपर से तो इतना सुंदर लग रहा था मैंने शायद आपको दिखाया हो वीडियो में पता नहीं रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई बट जो भी हुआ अच्छा रिकॉर्ड कर रहे हैं जितना बेटर हो सकता है उतना बेटर रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी डैम पे आप गाड़ी नंबर वगैरह लिखा गया हमारे और कह रहे थे कि यहाँ से और लास्ट तक अगले मतलब जो आएगा चेक पोस्ट वहाँ तक रोकनी नहीं है गाड़ी ले जानी है नॉन स्टॉप भगानी है बाकी बहुत अच्छा डैम है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रीजन हाँ और ड्रोन भी उड़ा सकते हैं यहाँ और बाकी बस यही है इतनी इन्फॉर्मेशन है मुझको गिला भी है क्या अरे इस दिल लगी कैसे सो गाइस हमारा ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है और लगभग 75-80 किलोमीटर के आसपास हमारा सच पास बचा है बट हम 30 किलोमीटर पहले ही रुक जाएंगे 30 किलोमीटर कल करेंगे और फिर रोड से ही आ गई ऑफ रोड फिर ख़त्म हो गया मतलब जगह जगह पैच हैं जो कि ऑफ रोड वाले हैं और भाई बहुत ही अच्छा नज़ारे हैं यहाँ के बहुत ही सुंदर मैं कह रहा हूँ यार हिमाचल में बस शिमला और मनाली नहीं है ये भी बहुत जगह अच्छी है बहुत प्यारी है मैं कह रहा हूँ ग्रीनरी हरियाली इतनी प्यारी है भाई इतनी सेक्सी रोड और रोड तो इतनी सेक्सी है भाई साहब इतनी नैरो रोड है कि अपनी सिंगल गाड़ी भी चलती है ना तो वो भी देख के चलानी पड़ रही है दूसरी आएगी सामने से उसकी तो बाद की बात है पहले अपनी देख के चलानी पड़ रही है इतनी छोटे छोटे रोड है बट भाई नज़ारे एक नंबर नज़ारे मज़ा आ रहा स्वाद आ रहा है और अब तो मौसम इतना चिल्ड हो गया अब तो शीशे खोल के गाड़ी चला रहे हैं पता रहे ना किसी का यही कहे ये पल जिंदगी का पता रहे ना किसी का यही कहे ये पल जिंदगी का कि खुद गर्द सी ख्वाहिश लिए बेसास भी हम तुम जिए है गुलाबी गुलाबी सो गाइज अभी हम बैरागढ़ से हम 30 किलोमीटर के आसपास है बैरागढ़ से आज हम बैरागढ़ मतलब कैंपिंग करेंगे अपने कार में ही कैंपिंग करेंगे कार कैंपिंग करेंगे XUV 500 में कैंपिंग करेंगे हमने सेटअप तो है अपना खाना पीना भी है अभी हम रास्ते में रुके हमने सुबह मैगी और चाय कॉफ़ी पी थी और फिर रास्ते में बिस्किट वगैरह खा लिए थे जो लाया था मैं ओरियो बिस्किट लाया था वो अभी यहाँ पर रुके से हमने भैया से पकौड़े कुछ पकौड़े वगैरह थोड़ा चटपटा सा हो गया हमें चाहिए बाहर आके थोड़ा बहुत तो चलता है खाना पीना तो अभी भाई और दूसरे वो सैम भाई गए लेने चिप्स कुरकुरे वगैरह तो आते हैं और फिर खाते ब्रेड पकौड़े सामान लग गया खाने का गूगल पे कोई ले रहा था इतनी मुश्किल से लिया कोल्ड ड्रिंक तो मैं पीता नहीं यार माजा नहीं थी माजा भी लिया हूँ माजा लिया भाई चलो माजा भी लिया और ये लेके और है साबुन नहीं साबुन नहीं वो है ये बर्तन साफ करने वाला तो साबुन नहीं चाहिए साबुन भी लाओ हाँ लिया एक साबुन एक साबुन और एक आपके लिए स्लाइस तभी भाई से यहाँ बनवा रहे हैं हम समोसे
यहाँ पे। और भाई यहाँ व्यू देखो, ये देखो व्यू। और अपनी गाड़ी खड़ी है ये यहाँ पे। भाई हमारे समोसे लग चुके हैं, इसमें छोले, दही और प्याज चटनी ये भाई के। और पीछे जा रही है ठंडी ठंडी हवा। और ये भाई ने लगाया है यहाँ के। भाई आपका नाम क्या है? बिट्टू। कब से रह रहे हो? जन्म ही यही हुआ? 10 साल हो गए। चलो भाई ये लोकल, जैसे लोकल के लिए देते हैं वैसे इन्होंने मान ले दिया। खाते भाई टेस्ट बताना कैसा लगा। टेस्ट है, मैं खाता हूँ फिर मैं बताता हूँ। हाँ खाओ, तुम्हारे ऊपर कैमरा। चले तो लाजवाब है। चलो समोसा तो अच्छा था, मैंने वैसे ही खा लिया। एक समोसा तो मैंने सूखा ही खा लिया था खड़े खड़े। बहुत टेस्टी है। चलो भाई खा के फिर चलते हैं यहाँ से आगे। 25 से 30 किलोमीटर है आगे का। तो भाई लोगों कुछ नोटिस करा लग रहा हूँ ना मैं, अभी 14-15 साल का बच्चा। तो अभी शेव शेव कराइए। और सैम भाई बाल कटा रहे हैं अपने। ये रहा यहाँ सैलून, यहाँ सैलून, ये री रोड, यहाँ हमने वो खाया था, उधर ही हमारी गाड़ी खड़ी है। नज़ारा देखो, ये देखो सैलून में नेचुरल एसी लगा हुआ है। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से। भाई का भी हो गया सेट, भाई आ रहे हैं पेमेंट करके। अभी है मैं अटल चौक डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो गाइस अभी हम रुके हैं चेक पोस्ट पे और यहाँ पे एंट्री होती है। बाकी ये कह रहे हैं कि यहाँ इस टाइम के बाद आप जा नहीं सकते, आपको दिन में ही आना होता है 1-2 बजे से पहले पहले। बट अब मैंने कोई नहीं, मैंने जुगाड़ बिठा दिया, कह रहे कोई नहीं जाने देते हैं। अभी एंट्री कर रहे हैं गाड़ी में, भाई गया एंट्री करवाने। बाकी कह रहे हैं आज सच पास मैंने जाना मन कि भाई आज तो जाने वाली नहीं, आज तो हम कैंप करेंगे अपना। फिर मैंने अपनी जान पहचान निकाली, बात करी इनसे और इन्हें कह रहे हैं कि कोई नहीं आप चले जाओ, पर आराम से जहाँ कैंप करो ऊपर देख लेना कि ऊपर से पत्थर वगैरह का ना सीन हो कुछ। सो गाइस हम बैरागढ़ भी हमने थोड़ा सा पार कर लिया, थोड़ा सा मतलब 500 मीटर के आसपास पार करा। फिर हमने लोकेशन ढूंढी अपनी, ढूंढी क्या रास्ते में दिख गई। मैं कह रहा हूँ वेट भी नहीं करवा सकता मैं, मुझे खुद इतना प्यारा लग रहा है। और भाई क्या नज़ारा है, क्या जन्नत है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही प्यारी जगह भाई। हिमाचल में मनाली शिमला छोड़ के भी इस साइड आओ, हिमाचल बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। और मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, जरा लोकेशन चेक करो। ये रही अपनी कैंपिंग लोकेशन। सो सैम भाई कैसे लगी लोकेशन? बेस्ट, लाइफ एंजॉय करनी है यहाँ पे आ जाओ। ये देखो भाई यहाँ से, यहाँ हमारी टेबल चेयर और खाना। और ये देखो चल चेक इट भाई, क्या नज़ारा है। बाकी अपनी गाड़ियाँ भी मैशअप हुई पड़ी है, अभी इसको सेट करते हैं और इसमें हम सोएंगे। बाकी खाना वाना अपना बाहर बनाएंगे, है ना? क्या चावल बनाने बस आज? चावल बनाएंगे, शाम में सब्जी लाएंगे। बस तो हो गया काम अपना। और ये देखो भाई गाड़ी, और ये चेक करो भाई, ये चेक करो। सो गाइस एक इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको, अगर आप आ रहे हो सच पास, वैसे सच पास आओ भाई, मनाली शिमला को ड्रॉप करो, सच पास आओ। बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज है, बहुत ही ज्यादा मजा आया भाई। मैं तो रस्ते में बहुत ही अल्टीमेट व्यूज आए। और इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप पठानकोट से मतलब दिल्ली NCR वगैरह से आ रहे हो तो आप इस साइड से भी आ सकते। पठानकोट से आपको राइट लेना है डलहौजी वाला, डलहौजी वाले रूट पे आप सीधा सीधा आ जाओ। चंबा वंबा सब क्रॉस करके आपको लास्ट में सच पास ही मिलेगा। बोर्ड भी जगह जगह मिल जाएंगे, पूछते आ जाना। वैसे मैप नेट हर जगह है भाई, नेटवर्क सबसे
अच्छी बात कि इसमें नेटवर्क है, बहुत ही अच्छी बात है नेटवर्क है। व्यूज अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट व्यूज। जहाँ कल जाने वाले भाई अलग ही जगह है, अलग ही। रोहतांग पास कुछ नहीं है उसके सामने, और यहाँ के लोग बता रहे खुला हुआ है, क्रॉस कर सकते हो तुम, क्रॉस करके उस साइड भी जा सकते हो। अब देखेंगे हम क्रॉस करके उस साइड किधर जाएंगे। हमारा दो जगह का प्लान बन रहा है, लेह का और एक आपका जम्मू कश्मीर पट्टी टॉप। दो जगह के रास्ते कटते हैं, तो वहाँ पे अभी देखते हैं, हम डिसाइड करेंगे अभी रात में। क्रॉस करके उधर जाना है या वापसी इससे इस साइड से जाना है, वो देखेंगे जैसे बनेगा। और अभी हम चावल बनाएंगे, अभी तो टाइम बच रहा है। और बैरागढ़ में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, होटल्स भी है, गेस्ट हाउस भी है, होम स्टे भी है, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जरूरी नहीं आप कैंपिंग ही करो। बट हमारा तो प्लान ही ये था, मेरा सोलो का था, पर सोलो भाई ने मजा उठा दिया। पर पूरे रास्ते भाई इतनी हंसी दिलाते आए ना, मजा आ गया। बाकी वो जो चेक पोस्ट है, दो बजे से पहले आ जाओ ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके बाद शाम को यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह ऊपर होती रहती है। बैरागढ़ से 35 किलोमीटर है आपका सच पास। तो गाइज यहाँ पे हमारी बन रही है कॉफी, अभी कॉफी बना रहे हैं, पहले कॉफी पियेंगे फिर उसके बाद खाना वाना बनाएंगे। और ये देखो नजारे, और ये हमारे भाई। हेलो गाइस, आ गया मजा? फर्स्ट टाइम करी है ना आपने कैंपिंग? मेरे फर्स्ट टाइम करी है कैंपिंग, एक नंबर मजा। एक्सपीरियंस का सर, आप फर्स्ट टाइम में ही भाई, एक नंबर क्लास भाई। ये देखो, और बेड सेट कर दिया हमने, और ये नजारे के साथ, और ये कॉफी के साथ भाई। तो भाई कॉफी पी के थोड़ा गाड़ी में रेस्ट कर रहे हैं। अभी तो 6 बजने में 15 मिनट है, तो 6 बजे हम पुलाव बनाने शुरू करेंगे। बाकी मैं गाड़ी में लेट रहा हूँ, भाई बाहर बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे हैं, और भाई फोन चला रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से। तो भाई यहाँ पे शेफ तैयार हो चुके हैं, और ये अब पुलाव बना रहे हैं। भाई मेरे से तो आते नहीं बना के, मैं बनाता तो फिर मम्मी को फ़ोन करता अगर सोलो आता। अब भाई को आते हैं तो ये बना रहे हैं। बाकी आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। अभी यहाँ पे भाई सब्जी वब्जी काट रहे, लेकिन भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, कूड़ा नहीं करना बिल्कुल भी। हमने पॉलीथीन अलग से बनाई हुई है, ये पॉलीथीन अलग से बनाई हुई है, जब घर से निकले थे तब से बनी हुई है, और इसमें ही कूड़ा वूड़ा सब डाल रहा है। जब मैं अकेला चला था, जब भी मैं ऐसे ही कर रहा था, गाड़ी में इकट्ठा कर रहा था, फिर पॉलीथीन या कहीं डस्टबिन दिख रहा था, मैं वहाँ डाल दे रहा था, ऐसे ही करना। और अभी यहाँ पे हमारे चावल रेडी हो रहे हैं, भाई बना रहे हैं। ओहो, बाकी व्यू के साथ भाई मज़े, इतना सेक्सी मज़ा आ रहा है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं तो और ये बनाए हैं हमने पुलाव, ऑयल है, पूरा बॉयल है। ऑयल तो इतना सा भी नहीं है, क्योंकि ऑयल हमारे पास है ही नहीं। क्यों? अपने मतलब जुगाड़ लगा, खाना टेस्टी बना। हाँ, पर लेकिन भाई देखने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, खाने के बाद तो अलग ही मजा आ जाएगा भाई। बाकी वेजिटेबल डाले हैं इसमें, और मिर्च मसाले, कैप्सिकम डाले, ज्यादा कुछ नहीं किया, कैप्सिकम डाला, ऑनियन डाला, चावल डाले, पानी डाले, हल्दी डाली, और लाल मिर्ची डाली, बस बॉयल है पूरा, बहुत हेल्दी खा रहे हैं। बस एक ही जगह हमने वो खाए थे समोसा, वो भाई बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। अटल चौक पे थे वो, अटल चौक पे चंबा में, अटल चौक पे थे, बहुत टेस्टी थे भाई। उसमें छोले, दही वगैरह और चटनी वगैरह डाल, इसको खा लेते हैं और फिर खा के अपना रेस्ट करते हैं। हाउज इट? बहुत यम्मी बने पक्का, टू बी ऑनेस्ट बहुत यम्मी बने। मतलब ये क्या बात है कि अपने अपने डाल के खाने लगे, हम नहीं आए? नहीं, मैं टेस्ट कर रहा। अच्छा, टेस्ट कर रहे थे, ओके, आप भी टेस्ट करो। और ये देखो नजारे भाई, रियली नो डाउट एक नंबर बने भाई, एक नंबर अल्टीमेट। ये देखो भाई इसके साथ, ओहो मजा आ गया यार सच्ची में। बॉयल है पूरा, ऑयल तो है नहीं जमाने पर, तो ऑयल डालेंगे कहाँ से। बाकी भाई मजा, सेक्सी मजा। यहाँ से साफ सफाई कर लिया, ये हमने कचरे वाला, ये भी रखते बैग, और यहाँ से साफ सफाई कर लिया। अभी हम जा रहे हैं आगे, कुछ थोड़ा सामान वगैरह लेना, वो अभी लेके रख लेते हैं, फिर चलते हैं। अभी वापस से आएंगे, यहीं पे लगाएंगे।
तो गाइज हम वापस उसी जगह पे आ चुके हैं। गाड़ी इस बार हमने ऐसे नहीं ऐसे करके लगा दी, थोड़ी ऐसे करके, ऐसे लग रही थी पहले, ऐसे करके लगा दी। ये रहा भाई, इससे हमने पहचान कर ली कि हमने आ गाड़ी चाहिए। बाकी अंधेरा हो गया, रात हो गई, और ये देखो नज़ारा थोड़ा सा, लाइटें चमक रही है। सो गाइज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर मदर फादर। कल यहाँ से चलेंगे सच पास, जो कि 35 किलोमीटर है। कैसी लगी है हमारी छोटी सी कैंपिंग? अभी हम गाड़ी में सोएंगे, गाड़ी में ही है, हमारा कोई होटल वोटल नहीं है, बेड वेड सब बना हुआ है। थोड़ा नजारा लेने आए थे और ब्लॉग एंड करने आए थे, गाड़ी में ही पूरे दिन हमने ट्रेवल करा, तो गाड़ी से बाहर निकल के ब्लॉग एंड कर लेते हैं। फिर आप भी कॉमेंट करोगे कि गाड़ी गाड़ी में घूम रहे हो, इसलिए बाहर आके ब्लॉग एंड कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ हमारा बेड रेडी है, अभी हम जा रहे हैं सोने। तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल मॉर्निंग में सुबह। बाय बाय, टेक केयर।